नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में यानी वायव्य कोने में वास्तु दोष होता है तो किस तरह के बुरे प्रभाव घर के अंदर देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसके उपाय बताना चाहूँगा। यदि नॉर्थ वेस्ट जोन में वायव्य कोने में वास्तु दोष होता है तो उसे हम कैसे सही कर सकते हैं या उसका दोष कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नॉर्थ की दीवार से तिरछा होकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को बढ़ा रहा है, ऐसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को बढ़ा रहा है, तो सबसे पहले तो ये है, यदि आप अपनी दीवार को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट तक यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं तो इससे आपका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। यदि आपकी अपनी बिल्डिंग बनी हुई है और आप इसे ठीक नहीं कर सकते तो ऐसे में आपको करना क्या है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नॉर्थ की दीवार से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को बढ़ा रहा है तो यहाँ पर चांद की आकृति की गोलाई, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है उसको चांद की आकृति की गोलाई करनी है। 2 इंच आपकी नॉर्थ की दीवार और 2 इंच आपकी वेस्ट की दीवार, वहाँ पर मसाला लगाकर या POP लगाकर उसको चांद की आकृति वाली गोलाई करें और वो गोलाई आपके ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक, यानी कि जितनी भी दीवार है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की उसको नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा गोल करना है। चांद की आकृति सिर्फ हल्का सा कोना गोल करना है, जिससे कि जब हम उस कॉर्नर को देखते हैं तो वो कोना ना नज़र आकर हल्का सा गोलाई नज़र आए। वो गोलाई अंदर वाली गोलाई होनी चाहिए, यानी कि जब हम यहाँ पर खड़े हों और कॉर्नर को देखते हैं तो ये कोना हल्का सा अंदर की ओर गोलाई में नज़र आना चाहिए। सेम यही रेमेडी आप जब साउथ वेस्ट से वेस्ट की दीवार तिरछी होकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को बढ़ाती है तो भी आप यही रेमेडी आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से यहाँ का वास्तु दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आपके जीवन में खुशी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही आपके यहाँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में पानी का अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है या सबमर्सिबल लगा हुआ है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया हुआ है तो यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर एक विंड चैन लगानी है आपने, सिल्वर कलर की विंड चैन। कौन सी? सिल्वर कलर की विंड चैन लगानी है और उसके अंदर जो पाइप होती है वो 6 पाइपों वाली होनी चाहिए और विंड चैन की जो आवाज़ है, जब आप विंड चैन को बजाते हैं तो उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर आनी चाहिए, फील अच्छा लगना चाहिए। वो विंड चैन आप इस एरिए में हैंग कर दें। ऐसा करने से यहाँ का वास्तु दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ऐसे ही यदि आपके यहाँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में फर्श की ढलान है तो ये हमेशा ही तकलीफ देता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जब फर्श की ढलान होती है या यहाँ पर वास्तु दोष होता है तो नाम भी खराब होता है, पैसा भी जाता है, जमीन जायदाद भी बिकती चली जाती है और कोर्ट केस, झगड़े, दुश्मनी भी होती है। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कभी भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये उपाय आप अपने यहाँ पर करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं और आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का मैप बनवाना चाहते हैं तो मैप भी बनवा सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।